अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ना सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क के सतह पर मुसलमानों की सियासी कयादत घटती ही जा रही है। गुजरात में वैसे भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता रहा है और पिछले 27 सालों से यहाँ भाजपा ही अख्तदार पर है। गुजरात पर बात करने से पहले कर्नाटक पर बात करना जरूरी है, फिर रियासत और खासकर बेलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ अखिलेती उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं, यहाँ पर भी कैसे मुसलमानों का टिकट काटने की कोशिश सभी पार्टियों की जानिब से की जा रही है, इस पर भी तबसरा करेंगे। रियासत कर्नाटक में अक्सर कांग्रेस की हुकूमत रहा करती थी और मुसलमान एक नतीजकन वोट बैंक के तौर पर देखा जाता था। रियासत कर्नाटक में मुसलमान 13-15% के करीब बताए जाते, लेकिन जिस तेजी से मुस्लिम कयादत का ग्राफ गिरता जा रहा है, यकीनन काबिले फिक्र है। सियासी पार्टियों को अब लग रहा है कि मुसलमानों को टिकट देने से वोटर वोट नहीं दे सकते। मुल्क में बढ़ती मजहबी तशद्दुद के वाकये भी इसे जिम्मेदार कह सकते हैं। कोई भी पार्टी अब मुसलमानों को टिकट देना नहीं चाहती। मुसलमानों के मसाइल इनकी बात ऐवान में रखने के लिए कम से कम 10 मुस्लिम कायदों का जिद दर्ज करना जरूरी होता है। अब वैसे भी वहां जाकर क्या बात करते एक अलग मामला है, लेकिन 2018 में महज 7 ने जीत दर्ज की। भाजपा ने तो हमेशा की तरह 2018 और अब 2023 में भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। कांग्रेस भी अब इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कई जगहों पर मुसलमानों को टिकट ना देने का फैसला कर सकती है। 2018 में कांग्रेस ही के 7 अरकान असेंबली हो गए, जबकि आबादी रियासत में 13-15% कही जाती। इससे पहले मुसलमानों की तादाद 2013 में 11 थी। कुल रियासत के 224 में महज 7 अपराधों का जीत दर्ज करना यकीनन मुसलमानों की घटती कयादत तो है ही। मजीद सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या 2024 में तादाद इसी तरह कायम रहेगी या फिर घटती ही जाएगी, क्योंकि हालात कुछ साजगार तो नजर नहीं आ रहे। भाजपा को छोड़ दिगर सभी पार्टियों को मुसलमानों के वोट जरूर चाहिए, पर किसी तरह की उम्मीदवारी या फिर कयादत नहीं सौंपना चाहते, ये भी सच है। इससे पहले मुस्लिम कयादत असेंबली में कम नहीं थी, ऐसा नहीं था। सबसे कम सिर्फ 2 अरकान असेंबली 1983 में रामकृष्ण हेगड़े के दौर में रह चुके हैं, और सबसे ज्यादा 1978 में यह आंकड़ा 16 का था। लेकिन घटने और इजाफा होने पर उतना फर्क मुसलमानों को नहीं हुआ करता था, क्योंकि मजहबी जो ध्रुवीकरण उतना माशरे में नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से भाजपा का हिंदुत्व फार्मूला कामयाब फार्मूला साबित हुआ और मुस्लिम विरोधी सोच और फिक्र का बढ़ता दायरा सोचने पर जरूर मजबूर करने वाला है, आज के मुसलमानों का घटता सियासी रसूख या फिर घटती सियासी कयादत पर एक नजर डालते हैं। 2018 में किसने जीत दर्ज की और कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। गुलबर्गा से कनीज फातिमा जीतने वाली वाहिद मुस्लिम खातून ने भाजपा के चंद्रकांत पाटिल को 5,940 वोटों से हराया। इससे पहले मरहूम कमरुल इस्लाम ने 2013 में सीट जीती थी। जमीर अहमद खान ने बेंगलोर शहर में चामराजपेट जीतने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच सबसे बड़ी जीत का फासला दर्ज किया था। जनता दल सेक्युलर के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया था। भाजपा के एम लक्ष्मी नारायण को 33,137 वोटों से जमीर अहमद ने हराया था। तनवीर सेठ ने लगातार 5वीं मर्तबा नरसिम्हा राजा से भाजपा के संदेश स्वामी को 18,127 वोटों से शिकस्त दी थी। साबिक वजीर यूटी खादर ने मैंगलोर से भाजपा के संतोष कुमार राय को 19,737 वोटों से हराया था। शांतिनगर से यानी हारिस ने वासुदेव मूर्ति को 18,205 वोटों से हराया था। रोशन बेग ने शिवाजीनगर में भाजपा कायद कट्टा सुब्रमण्यम नायडू को 15,040 से हराया था। बीदर सीट पर रहीम खान ने बीजेपी के सूर्यकांत नागमारपल्ली को 10,245 वोटों से हराया था। अब कौन मुस्लिम कायद थे जिनको हार का सामना करना पड़ा, उसमें सबसे अहम कायदों में कांग्रेस के साबिक एमएलए जनाब फिरोज नूरुद्दीन सेठ जो बेलगाम नॉर्थ से थे, भाजपा के अनिल बेनके से 17,240 वोटों से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आखिर इस हार के पीछे वजह क्या थी, जबकि इन्हें मिस्टर डेवलपमेंट भी कहा जाता था और मिस्टर परफेक्शनिस्ट एजुकेशनिस्ट वगैरह कहा जाता था, इसके लिए कौन जिम्मेदार थे, इस पर भी बारहा बहस मुबादसे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस में अंदरूनी इख्तलाफात भी जनाब फिरोज सेठ की हार के लिए वजह बने, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग
जनाब फिरोज नूरदीन सेठ साहब को वजीर बनता नहीं देखना चाहते। जाहिर है फिरोज सेठ नॉर्थ कर्नाटक के बड़े कायद के तौर पर उभरते हुए देखा जा रहा था, लिहाजा कांग्रेस की हुकूमत बनी और गिरी भी, जिसका मरकज भी बेलगाम जिला ही रहा। आपको इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना जरूरी समझूंगा कि भाजपा में कोई पहले से भाजपा की सोच फिक्र की संघीय विचारधारा के लोग नहीं थे और ना है। यहाँ तक के मौजूदा वजीर आला बोम्मई भी जेडीएस से ही भाजपा का खेमा इख्तियार किए हुए और भाजपा के तकरीबन 80% लीडर या तो कांग्रेस से गए हैं या फिर जेडीएस से। खैर, हारने वालों में कांग्रेस के बीए मोहिउद्दीन बाबा भी भाजपा के बरचट्टी से हार गए। जनता दल के इकबाल अंसारी, जिन्होंने 2013 में जो गंगावती के एमएलए थे, भाजपा के परन्ना ईश्वरप्पा से हार गए। बीजापुर से अब्दुल हमीद मुशरिफ भाजपा के बसवन गौड़ा यतनाल पाटिल से 6413 वोटों से हार गए। कांग्रेस का ही मकबूल एस बागवान ने 2013 में सीट जीती थी। आखिर इस घटती कयादत का क्या हल हो सकता है? क्या वाकई हल है भी या नहीं? कहीं हिंदुत्व का वसीदारा मुस्लिम कयादत को घटने में अहम रोल अदा तो नहीं कर रहा? जाहिर है वैसे भी मुल्क को 80% बनाम 20% में भाजपा ने पहले बांट दिया है और इसका असर शिद्दत से महसूस भी किया जा रहा है। जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें हम देख सकते हैं। इतला यह भी है कि रमेश जारकीहोली, जो रियासत में कांग्रेस की हुकूमत गिराने में सिर्फ सालार का किरदार निभाया था, जेडीएस का रुख कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में रमेश जारकीहोली ने अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि किसी हाल में भाजपा को नहीं छोड़ूंगा। पर इस बयान को कितना संजीदगी से आवाम लेती है या फिर खुद रमेश जारकीहोली भी कितना संजीदा है, इसे भी समझने की जरूरत है। क्योंकि फिलहाल भाजपा में रमेश जारकीहोली न के बराबर सरगर्म है। जाहिर है सीडी मामले के बाद वजारत भी गई और आजकल के चक्कर में अभी भी उनको वजारत नहीं मिली और 2023 के इंतखाबात भी सामने आए। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलते हुए देखा जा रहा है। अब बेलगाम जिला में 18 हलकों में बेलगाम नॉर्थ ही एक ऐसा है जहां अकलियतों के वोट जीत दर्ज करा सकते। लेकिन इस बार ये भी देखा जा रहा है कि पंचमशाली लिंगायत का कार्ड सरे फेरिस है और इसी कार्ड को खेला भी जा रहा है। जब पंचमशाली इजलास में भाजपा के बसवनगौड़ा पाटिल ने कांग्रेस का ही सतीश जारकीहोली पर कुछ भी बयानबाजी यानी कि तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल करने के बावजूद और कांग्रेस के दिगर लीडर उस इजलास में बैठे थे और वो खामोश इख्तियार करते, इसे क्या समझा जाए? मतलब पंचमशाली लिंगायत को उम्मीदवार बनाने की तैयारी तो नहीं? लिहाजा बेलगाम नॉर्थ में कांग्रेस से यकीनन उम्मीदवारी फिरोज सेठ को मिल सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पंचमशाली लिंगायत के नाम पर किसी और की उम्मीदवारी की भी चर्चा जारी है। जाहिर इसी के मद्देनजर किरण साधन और लक्ष्मी हब्बाड़कर के भाई चंद्राज हट्टीवाली का नाम भी लिया जा रहा है। एक तरफ तकरीबन कई मुसलमानों को कांग्रेस नॉर्थ से कांग्रेस टिकट हासिल करने के लिए उम्मीदवारी मांगने का भी खेल खेला जा रहा है, तो मुसलमानों के वोट आपस में बढ़ते रहे इसका भी ख्याल बड़े मुनज्जम अंदाज में मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से करते हुए महसूस भी किया जा रहा। फिर पंचमशाली का कार्ड भी इन्हीं सियासतदानों की जानिब से इस्तेमाल करते हुए महसूस किया जा रहा है। मतलब इस बार और मुसलमानों को सियासी मैदान से दूर रखने की ही कोशिश एक तरह से की जा रही है। लिहाजा हालात का इस तरह बदलना मुसलमानों को सोचने पर मजबूर जरूर कर रहा है। सबसे अफसोसनाक पहलू ही ये है कि मुसलमानों के पास किसी तरह का नस्बुल ऐन नहीं है, किसी के कायदत में रहना नहीं चाहते। खासकर मुसलमानों को ही मुस्लिम लीडर से ज्यादा एतराजात रहते हैं। गैरों की कायदत में बड़े ये खुश और हशाश बशाश रहेंगे। अगर मुसलमान कोई कायद है तो हजार इसकी बुराइयों के बगैर मुसलमानों की कोई सुबह शाम नहीं गुजरेगी। लिहाजा ये सभी गुलाम कौमों की निशानियां हैं जिस पर बड़ी ईमानदारी से मुसलमान अमल करते हुए पाए जाते हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में इत्तेहाद का दामन ही इस माशरे को बचा सकता है। लेकिन जिस कौम में मुफाद परस्ती और जाती फायदे का जहर अंदर तक दाखिल हुआ हो, आखिर इन पर किस बात का असर हो सकता है? क्यों ना मुसलमान इस चुनाव में आपसी इत्तेहाद पर आमादा हो, लेकिन पार्टियों के पीछे महज कुछ रुपयों के लिए और जाति मुफाद के लिए जमीर को गिरवी रखने की आदत पूरी मिल्लत को चुकानी पड़ सकती है, जिसका जरा बराबर भी एहसास इन नाम निहाद लीडरों को नहीं रहता। दुनिया की सबसे बिखरी हुई अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है और इसी का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। इस चुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीदें किसी भी पार्टी से रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मोमिन को अल्लाह से ही उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इख्तदार के लिए मुसलमानों को ही निशाना बनाना चाहता है। कुछ लीडर तो खुद गैरों के हाथों का खिलौना बनकर मिल्लत को एक करने के वादे करते हुए देखे जाते हैं। खैर, इतना जरूर है कि 2023 का चुनाव भी मुसलमानों के लिए चुनौती भरा होगा। जरूरत है मुत्तहिद होने की, इत्तेहाद का दामन पकड़ने की। बातें जितनी करने में आसानी है उतनी ही मुश्किल जरूर है, लेकिन हर फर्द अगर वाकई मिल्लत का दर्द रखता है तो बजाय आपसी इख्तलाफात को फरोग देने के मिल्लत को जोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। मुसलमान को हमेशा खड़गरे में खड़ा करने की कोशिश मुस्तकिल सभी पार्टियों की जानिब से, कोई भी हो, अब तो कोई बचा नहीं है,
जारी है। संविधान को ना मानने वाले अख्तदार पर बैठे, ये भी एक बदकिस्मती है, और संविधान को ही बदलने की साजिश चली जा रही है। लेकिन वही लोग हैं जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। अदलिया, इंतजामिया और सरकारी एजेंसियां भी अब हुकूमतों के दबाव में काम करने की बात खुलेआम कही जा रही है। संविधान इस मुल्क की रूह है और इसे बचाना जरूरी है। वक्ती मफाद को हासिल करने के लिए अपनी गैरत को गिरवी रखने से मोमिन बाज आए। उमूमन ये भी देखा जाता है कि हमको अपनों से ज्यादा उम्मीद गैरों से है। सुबह से शाम तक अपनों को कोसने और गैरों की तारीफ करने में उम्र गुजरती देखी जा रही है। कैसे तिनका बनकर मिल्लत बिखर गई। एक तरफ मिल्लत की शानदार तारीख और आज का मुसलमान किसी तरह का कोई मेल नजर नहीं आता। कभी तो वक्त मिले तो दुनिया के पालनहार की तरफ भी उम्मीद से देखे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि भूतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। आज का सियासत पर मौजू कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर में आबादी बढ़ रही है और साथ में सवारियां भी बढ़ती जा रही है। बढ़ता ट्रैफिक और रोजमर्रा के मसाइल से जूझता आम इंसान अब ट्रैफिक पुलिस की वजह से मजीद परेशानी में मुलविस पाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस बजाय ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हेलमेट, दस्तावेज और चालान काटने की जल्दबाजी में देखे जाते हैं। हो सकता है अब जब चुनाव नजदीक आ रहे तो किसी तरह हुकूमत भी अपनी तिजोरियां भरकर एमएलओ घरों को खरीदने की कोशिश में लगी होगी, ऐसा कहा जा सकता है। क्या पहले से ही परेशान आवाम को इस तरह सड़कों पर रोककर गाड़ी की चाबी निकालना और फिर बड़े ही मगरूर अंदाज में गुफ्तगु करना एक किसी भी सरकारी मुलाजिम को जेब नहीं देता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गाड़ियों को शहर के मुख्तलिफ चौरस्तों पर रोका जा रहा, खासकर दो पहियों को जल्दबाजी में, और कुछ लोग खामखा पुलिस के हाथ लगने से बचते हुए अपने काम की तरफ जाने के चक्कर में हादसे का शिकार होते देखा जा रहा है। आज आरटीओ सर्कल के पास इसी तरह का नजारा देखने को मिला। वैसे तो 12 इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे, इस पर आवाम में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। एक वक्त मुकर्रर किया जाए, लेकिन अगर किसी को जायज परेशानी में मुलविस पाए जाए या फिर अस्पताल मरीज जैसों को इसमें छूट दी जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि किसी तरह का तरस न खाते हुए सख्ती से जुर्माना लगाया जा रहा है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिसों की वजह से हादसों में इजाफा होता देखा जा रहा है, जिस पर आवाम में नाराजगी भी देखी जा रही है। खानापुर में टीपू सुल्तान संघर्ष समिति की जानिब से यौम टीपू शानदार तरीके से मनाया गया। इस वक्त खानापुर के टीपू सुल्तान चौक के बोर्ड पर फूलमालाएं चढ़ाई गई और टीपू सुल्तान के किरदार को याद किया गया। टीएसएस की जानिब से मुफ्त मेडिकल चेकअप का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, जिसमें खानापुर सरकारी अस्पताल का भी भरपूर तौन रहा। मलिक क्लिनिक की जानिब से मुफ्त बीपी चेकअप, शुगर टेस्ट, जय अम्बे डायग्नोस्टिक, मुफ्त आंखों का चेकअप और डॉक्टर नूतन जाधव की जानिब से इसी तरह खावतीन के लिए भी मुफ्त चेकअप का एहतमाम किया गया था। इस वक्त टीएसएस के सदर लबीब अहमद शेख, नायब सदर हसन जुंजवाड़कर, इमरान अत्तार, मजर खानापुरी, आसिफ पंजाबी, आकिबुल्ला हुसैन, सुफियान लतीफ, इश्तियाक पीर मोहम्मद, आफरीद मोहसिन, अशफाक अत्तार, इस्माइल हुबलीकर, सानिया अंजलना और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। Oh.
निपानी के जी आई बागेवाड़ी पीओ डिग्री कॉलेज में माहिर तालीम और टेक्निकल माहौलिया जनाब खलील अहमद कामते ने अपने जरीन ख्याल से तुलबा व तालिबात को सरशार किया। जनाब खलील अहमद ने अपने बेशबहा इल्म के सरमाए से नस्ल नौ को सरशार करते हुए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे। पिछले एक दहाई से तालीमी जिद्दत के नए नए तदाबीर और नौजवान नस्ल में बढ़ता जहनी तनाव का कदर इजाफी हल तलाशते जरिए से आगाह करते सेमिनार उनकी बेलाउस तालीमी खिदमात की अक्कासी करती है। तालीम के मैदान में केली सोसाइटी के मातहत निपानी शहर का कदीम साइंस इदारा जी आई बागेवाड़ी पीओ डिग्री कॉलेज के जेर एहतमाम बरोज पीर को निस्प रोजा कामयाब वर्कशॉप की रिजल्ट एरियाज टू अचीव ब्राइट फ्यूचर अमल में है, जिसमें कुल 300 तुलबा और तालिबात ने शिरकत फरमाई। इम्तिहानात को लेकर जहनी दबाव और उसका हल इस पर तफसीलात पेश किए गए, जिससे तुलबा और तालिबात में एक तरह का इत्मीनान चेहरों पर दिखाई दे रहा था। वर्कशॉप की सदारत प्रिंसिपल मोहतरमा श्रीमती हेमा चिकमट ने की। मेहमान खुसूसी का तारुफ की जिम्मेदारी मुअल्लिमा आफरीन मनियार ने निभाई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।